तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला प्रणाम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना पहाड़ी भाई। तो दोस्तों, तो यार मेरा भाई और मैं पूरी रात नहीं सोए और अभी 7 बजे सोए हुए हैं। ऑस्कर को हम मॉर्निंग वॉक के लिए लेके गए थे तो उसी के बाद हम सोए। तो अभी भैया, एक भैया आ रखे एसी की सर्विस करने वाले, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एसी की सर्विस कैसे की जाती है, किस प्रकार से की जाती है। तो यार बने रहे ब्लॉग पर। तो दोस्तों ये रहे फैन, इसमें प्रेशर से पानी मार रहे हैं जो कि इसका जो कचड़ा है सब नीचे आ जाए। तो यार देखते रहे। तो दोस्तों ये लगा रखा है भैया ने मोटर, इससे पानी प्रेशर से इस पाइप में आ रहा है। तो यार आप देख सकते हैं कि ये पूरा डस्टिंग आ रहा है अंदर से, तो एकदम काला और क्या फैन। तो ये पानी का जब प्रेशर मार रहे हैं इसी से वो डस्टिंग निकल रही है। तो ये निकल रहा है कचरा पूरा। तो दोस्तों अभी दिन के 11:30 और है और हम लोग हैं छत में और धूप एकदम भयंकर है, धूप लग रही है करीबन 40 डिग्री से ऊपर ही होगी यार, जिस हिसाब से लग रही धूप, भयंकर धूप लग रही। तो दोस्तों आज बताऊंगा मैं आपको प्रॉपर एसी की सर्विस कैसे होती है। और तो दोस्तों इसके जितने भी आउटडोर हैं ये सारे साफ कर दिए और अभी भैया कर रहे हैं वहां कोने पे, वहां पर कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं अंदर और अंदर की जो एसी है अब उसकी सफाई करेंगे भैया और आपको दिखाता हूँ, देखते रहे वीडियो। तो दोस्तों ये खोल रहे हैं, फैन ऑन कर दो भैया। नहीं, पूरे में उड़ जाएगा। अच्छा तो यार देख सकते हैं आप कितनी धूल हो रही इसमें, इधर दीजिए मैं रख देता हूँ। तो दोस्तों ये रहा पूरा धूल हो रही है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने हाथों से इसकी जो लेयर है साइड में कर की है, तो इतनी भयंकर धूल जमी हुई है। अब इसको साफ करेंगे हम अच्छी तरह। तो दोस्तों अभी हमने इसको कवर किया हुआ है, उसके बाद इसका जो ये जो आपको थैला दिख रहा है ये वाटरप्रूफ है और इससे जो पानी आएगा गंदा पानी वो इस पाइप से होते हुए इस बाल्टी में आएगा। तो यार आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी परत जमी है धूल की और ये जितने भी इसकी एसेसरीज है सारे ये धुलेंगे अभी, उसके बाद जब ये आपको अभी खोलने के बाद दिखाऊंगा मैं। तो दोस्तों ये कपड़ा जो लगा रखा है इसके अंदर प्रेशर मार के जो इसकी जो गंदगी है वो नीचे आ रही है बाल्टी में। तो इस तरह से प्रेशर हो रहे हैं। तो यार एसी के बाहर की जो भी पुर्जे हैं वो खुले हुए थे, अब उनको भैया लगा रहे हैं। तो ऊपर लगा रहे भैया जी और ये नीचे रहे मैं दे रहा हूँ जो। तो यार एसी की सर्विस कर चुके हैं 3 और 4 नीचे हैं और कितनी अच्छी हवा आ रही है, मस्त एकदम कूल वाली हवा आ रही, तगड़ी वाली। उससे पहले थोड़ी हवा ठंडी कम आती थी यार, रियली मैं सर्विस करने के बाद काफी अच्छा फील हो रहा है, ठंडा ठंडा। अब चलते हैं नीचे ऑस्कर के पास। तो ये रहा हमारा ऑस्कर, अभी खाना खाएगा ना ऑस्कर। ऑस्की क्या कर रहे है, क्या कर रहे है, क्या कर रहे है, खाना खाएगा ऑस्की, खाना खाएगा, खाना खाएगा, चल नो 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 एंड शेक एंड शेक।
तो हेलो दोस्तों, कैसे है? अभी समय हो रहा है करीबन शाम के 5 बज चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए। तो यार गाड़ी करते हैं स्टार्ट, मारते हैं गियर और चलते हैं दूध लाने के लिए। तो गाइज, तो यार ये जा रहा है अभी मैं दूध लेने के लिए। और मौसम देखो यार, बाहर बादल लग रखे और क्या बोलते, गर्मी तो यार पूछो मत, भयंकर हो रही है। 40 डिग्री से ऊपर तो गर्मी हो रही, बट आज हल्के फुल्के बादल दिख रहे ऊपर। क्या पता शाम को बारिश आ जाए, यार मजा आ जाएगा, सबसे बहुत तगड़ा मजा आएगा। यार उत्तराखंड में तो मौसम बहुत कूल हो रहा है, बट गर्मी भी हो ही रही है और ठंड भी हो रही है सुबह शाम भयंकर वाली। तो यार 2-4 दिन बाद उत्तराखंड जाने वाला हूँ, आपको फिर से उत्तराखंड के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जैसे हल्द्वानी हो गया, नैनीताल, देहरादून के तुमको ब्लॉग देखने को मिलेंगे यार। तो यहां से लेते हैं लेफ्ट, ये टर्न मारा मैंने गाड़ी और ये सामने से सूर्य दिख रहा है भाई साहब। तो यार दोस्तों, गाड़ी मैं करता हूँ बाहरी पार्क, अंदर गाड़ी नहीं जाती। तो अब यहाँ थोड़ा सा पैदल जाऊंगा, दूध लेके आऊंगा। यहाँ पार्क करती और मैं जा रहा हूँ दूध लेने के लिए, और यहाँ पर अंदर जाना है मेरे को दूध लेने के लिए। यहाँ की गाय भैंस यहाँ बधे हुए हैं और इस साइड भी है भैंस यार, तो सामने से लेके आऊंगा दूध। फाइनली मैं दूध लेके आ गया। तो आज यार हमने कराए थे एसी की सर्विस, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं और रात को आएगा, रात को पता लगेगा, सॉरी रात को लगेगा पता कैसी हवा आ रही है। आई होप यार अच्छी आए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया था एसी की सर्विस नहीं कराई, 1 साल हो गया था। तो आप चलते हैं घर को। और दोस्तों जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर है रेलवे फाटक, तो यार रेलवे फाटक अभी तक बंद था, अब खुल चुका है, तो गाड़ियां जा रही है। बहुत भयंकर भीड़ लग रही है भाई, बहुत भयंकर भीड़ लग रही है यहाँ पर। तो यार आजकल गाड़ी बाहर खड़ी रहती है तो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, इसका छत है और ऐसा लगता है कि जैसे आग के सामने बैठे हुए, इतनी भयंकर गर्मी होती है अंदर। क्या बताए, करीबन 15 या 20 मिनट होते हैं एसी ऑन रखे हुए, तब जाके थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन यार भयंकर गर्मी है, पता नहीं कब आएगी बारिश। तो गाड़ी चलते है घर को यार, अब मैं चलूंगा घर, गाड़ी बैक करता हूँ यहाँ से यू टर्न। रंग शरबतों का तू मीठ घाट का पानी। तो यार जो साउंड करा कुं कुं, ये बोला कि बेल्ट पहनो, तो पहन लेता हूँ फाइनली। गाड़ियों में ऐसा सिस्टम है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तब तक गाड़ी आवाज करती रहेगी, मतलब पहनना है तब तक थोड़ा शांति मिलती है, नहीं चिल्लाती रहती गाड़ी भी, यार चालाक हो गई गाड़ी। तो दोस्तों अब मैं चलूंगा घर को, दूध में लेके आ गया। तो यार ये भाई कहाँ जा रहा है, भगा के लेके आ रहा है गाड़ी को, ये कहाँ लेके जा रहा है भाई, क्या कर रहा है। तो यार कोई लोग ऐसे ही होते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना अपनी बाप की रोड से चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं यार, समझ में नहीं आता कहाँ जा रहा है और कहाँ जाएगा। दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय देवभूमि उत्तराखंड।